हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए फीचर्स के बारे में जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सिग्मा कॉन्फ्लिक्ट 2023 में, जिसका नाम है रैप सेक्शन इन ऑटो लेआउट। इस सेक्शन के मदद से आप काफी डायनामिक और रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हो विदाउट मैनुअल एडजस्टमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कम टू द सिग्मा स्क्रीन। ये मेरी सिग्मा स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक कार्ड बना लिया हुआ है। इस कार्ड को मैंने कैसे बनाया हुआ है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है, तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। ओके, लेट्स कम टू द कैनवस। ये एक रिस्पॉन्सिव कार्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है मैंने। अगर मैं इस कार्ड को रिसाइज करूँ तो आप देख रहे हो ये जो टैग वाला फ्रेम है वो फिट नहीं हो रहा है इस कार्ड में। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे रैप फीचर। रैप फीचर में अगर इनेबल करूँगा और जैसे ही मैं इसकी विड्थ को डिक्रीज करूँगा, आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली जो फ्रेम है वो ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा इस पूरे फ्रेम के अंदर। तो ये काफ़ी यूजफुल है। इसके अलावा हम देखेंगे मिनिमम हाइट एंड मैक्सिमम हाइट और मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ। ओके, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लाइक अगर मैं इस कार्ड को रिसाइज करूँ इंच तक, तो आप देख रहे हो ये होते जा रहा है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ तक ही आए, उसके आगे ना जाए, या ये कार्ड इतना बड़ा रहे इससे छोटा ना हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ का। ओके, तो मैक्सिमम विथ के सेट करने के लिए हम इस कार्ड को सेलेक्ट करेंगे, इस लेआउट को सेलेक्ट करूँगा मैं। उसके बाद इस सेक्शन पे आएंगे, यहाँ पे मैं इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ऐड मिनिमम विथ, ऐड मैक्सिमम विथ। तो पहले हम करेंगे ऐड मिनिमम विथ। ऐड मिनिमम विथ मैं रखूँगा 276। अब जब मैं इस कार्ड को रिसाइज करूँगा तो ये आप देख रहे हो अब ये रिसाइज नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिनिमम विथ सेट कर रखा हुआ है। अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा विथ इसकी तो ये बढ़ती जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि जो ये बॉडी है वो एक मैक्सिमम विथ पे सेट हो जाए, उसके बाद वो नहीं बढ़नी चाहिए, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, विथ पे आऊँगा और एड मैक्सिमम विथ सेट करूँगा। पूरे कार्ड पर ही सेट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा कार्ड स्ट्रेच हो सकता है, बट वो जो बॉडी है वो एक मैक्सिमम विथ पे सेट हो जाए। उसके अलावा क्या करेंगे, मैक्सिमम विथ सेट करेंगे, मैं सेट कर रहा हूँ 400। ओके, आप जिन भी दे सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। अब मैं इस कार्ड को अगर इंक्रीज करूँगा तो आप देखना ये सेट हो गया मैक्सिमम विथ पे, और आप देख रहे होगा कि मैक्सिमम विथ पे बॉडी के ऊपर एक रेड कलर की लाइन आ रही है जो कि आपकी मैक्स विथ शो हो रही है। तो इसके मैक्सिमम और मिनिमम के मदद से आप ये चीज़ सेट कर सकते हो अपने ऊपर। ओके, तो ये था मिनिमम है मैक्सिमम। अब अगर आपके पास एक डिज़ाइन में वो वेव हो या मोबाइल हो, अगर आपके पास मल्टीपल पार्ट्स है तो इसको आप किस तरीके से सेट करोगे, इसको भी देख लेते हैं। मैं एक फ्रेम ड्रॉ करता हूँ जो कि दर्द का है, मैकबुक एयर ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इस कार्ड को मैं ड्रैग करूँगा इसके अंदर और इसको डुप्लीकेट कर दूँगा 3 times। ओके, और इस तीनों कार्ड को हम एक फ्रेम में लाएंगे और ऑटो लेआउट कर देंगे। ओके, अभी मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ प्रॉपरली सेंट्रल की, हाँ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ओके, अब अगर मैं इस फ्रेम को, पूरे फ्रेम को अगर मैं रिसाइज करूँ तो आप देख रहे हो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कार्ड एज इट इज वहीं से वहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इस कार्ड को करूँगा पहले फिक्स विथ और इसकी स्पेसिंग कर दूँगा 40। अगर आप इस चाहते हो स्पेसिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो या इंक्रीज हो, इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑटो फीचर्स। ये ऑटो फीचर्स मूव कर दिया गया है यहाँ पे, जहाँ से पहले आपने यहाँ पे देखा होगा एडवांस ऑटो लेआउट सेटिंग में स्पेसिंग बॉक्स था जहाँ पे आप 10,000 ऑप्शन देखते थे, बट अब वो ऑप्शन हो गया यहाँ पे ऑटो में। तो जैसे आप ऑटो करोगे तो इसकी जो सेंटर स्पेसिंग है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गई, बट हम अभी के लिए 32 यूज़ करेंगे इस डिज़ाइन के लिए, और मैं इसे बहुत कंटेंट करूँगा अगेन। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो कार्ड है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव लेआउट में आए, लाइक 1x1 और छोटा बड़ा होता जाए। मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं टिकट कार्ड सेट कर लूँगा तीनों को एंड इसको कर लूँगा फिल कंटेनर। ये पहला स्टेप हो गया। फिर हम पूरे स्ट्रिप को सेट करेंगे। पूरे स्ट्रिप को सेट करने के लिए करने के बाद हम इस रैप सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं रैप करूँगा देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली कंटेनर के अंदर सेट हो जाएगा। और इसको हम प्रॉपर देखने के लिए मैं इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ पूरे फ्रेम की। अब आप देखना मैं इसको कॉन्स्टेंट सेट कर देता हूँ टॉप एंड सेंटर, ठीक है।
अब मैं जैसे मैं रिसाइज करूंगा, रिड्यूस करूंगा, आप देख रहे होंगे कार्ड फिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये एक मिनिमम कित पे जाकर रुक जाएगा जो हमने सेट किया था 270, और जो भी इसकी बॉडी है वो ऑटोमेटिकली 250 पे, सॉरी 400 नेक्स्ट फिट पे रुक जाएगा, ओके। और अगर मैं कार्ड डुप्लीकेट करता हूँ इसी फ्रेम के अंदर, तो आप देखना ये ऑलरेडी दो कार्ड हो गए। अब मैं जैसे जैसे रिड्यूस करूँगा वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये था फिग्मा का नया रैप फीचर जो कि काफ़ी यूजफुल होने वाला है, और आप प्लीज़ जाओ इसे यूज़ करो। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है प्लीज़ पिंग मी इन द कमेंट बॉक्स, और मैंने एक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कम्युनिटी की लिंक दी है जो कि एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जहाँ पे आप डेली बेसिस पे एक इंस्पिरेशनल वीडियोज या फिर डिज़ाइन ट्यूटोरियल या फिर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स रिसीव करोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, दिस इज मंजीश यादव एंड यू आर वॉचिंग डिज़ाइन विद मंजीश। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक शेयर and subscribe the channel. Thank you.